अस्सलामुअलैकुम उफ टीवी के साथ मैं हूं सनी चार्ली और मैं हूं पांच ली और सबसे पहले आज की चौकस हेडलाइंस हैं और क्या। अच्छा ले भाई, आसिफ अली जरदारी ने खून तो दे दिया लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपका खून तो सिर्फ चूने की जगह इस्तेमाल हो सकता है। ले भाई, कॉस्मेटिक का बजट ना बढ़ने पर चीरी रेवान के चेहरे पर खुशी का इजहार। ले भाई, ड्रैकुला छिल्लेब से ब्लड सैंपल चुराता हुआ पकड़ा गया। ले भाई, पाकिस्तानी जहाज के कप्तान शाहिद अफरीदी ने जेसूरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये कह के कि अब तो डीवीडी का जमाना है। ले भाई, क्रेजी फ्रॉग का नया वीडियो के लिए उमर अकमल का इंतकाब। और खतरनाक रेसलर जॉन सीना ने कहा है कि मेरा इब्ने सीना से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता मेरे अब्बू को सफर करने का बहुत शौक था। ये थी अब तक की चौकस खबरें। मजीद चौकस रहने के लिए देखते रहिए उफ न्यूज़। और सुनाओ, तकलीफ नहीं पूछना यार। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि दर्द कैसा है। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय कमर मोचाइल इस्तेमाल कीजिए और अपनी मूछें वसी कीजिए। ऐसी मूछें रखने से आप शरारती बच्चों को डरा सकते हैं, पुलिस में भर्ती होकर परसेंटेज हासिल कर सकते हैं और ऐसी मूछें से ट्रक खींच कर आलमी रिकॉर्ड बना सकते हैं। कमर मोचाइल इस्तेमाल कीजिए और अपनी मूछें बढ़ाइए ताकि आप भी खुश, आपकी नाक के बाल भी खुश। ऑफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुंजू आपको गुदगुदी करता है और रुलाने की कोशिश करता है और अपने प्रोग्राम के मज़े लेता है। इस वक्त हमारे पास दुनिया की वो शख्सियत मौजूद है जो किसी ज़माने में गेंद लेकर बहुत तेज़ भागा करती थी, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स शॉप वाले उनसे परेशान रहते थे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो शख्सियत कौन है, और वो है डिएगो मैराडोना। हाय। हाय, यू कैन टॉक इंग्लिश? जी जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओह, आई एम ओके। लगता तुमको इंग्लिश नहीं आता। देखे, इंग्लिश तो मुझे आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता। बोल नहीं पाता? क्यों नहीं बोल पाता? इसलिए क्योंकि हर इंग्लिश चीज से मुझे शर्म आता है। हे बहन, तुम जोक करता। हम जोक नहीं करता। खैर मैराडोना साहब, आप हमको ये बताएं कि आपने पहला मैच कब खेला? हमने पहला मैच कब और कितना उम्र में खेला? हाँ बिल्कुल, हमने पहला मैच स्वीट उम्र में खेला। स्वीट उम्र? मैं समझा नहीं। मतलब मीठा उम्र में खेला। मीठा उम्र? क्या कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तुम समझता नहीं। हमने पहला मैच उतना उम्र में खेला जितना उम्र में तुम्हारा पाकिस्तान का लड़की खेलता। यानी कि आपने पहला मैच 16 साल की उम्र में खेला? ऑफ कोर्स। पर आपने इतनी नाजुक उम्र में मैच खेला तो कोई चोट तो नहीं आई? मैं तुम ये क्या बोलता, हम बचपन से बहुत मजबूत था। अच्छा, बहुत मजबूत। क्या खाया करते थे आप? हम खाता नहीं था। अच्छा। हम पीता था। क्या पीते थे? ओह मैन, वही पीता था जो तुम पीता। क्या मतलब? मैं क्या पीता था? ए मैन, टी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह। वैसे हमने सुना है कि आप कोई नशा भी किया करते थे। नशा शराब में होता तो नाश्ता बोतल। नशे में कौन नहीं हमको बताओ, कौन लठ नहीं है हमारा सामने लाओ। इस दुनिया में हर आदमी नशा करता, हम नशा करता तो कौन सा बुरा करता, क्योंकि हर नशे का अपना साइड इफेक्ट होता। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसा है दुनिया में जिनको साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। हमारा एक दोस्त। अच्छा। हम एक बार उसके पास गया तो वो कैप्सूल को साइड से काटता। अच्छा। हम उससे पूछता है, मैन तुम ये साइड से क्यों काटता? क्यों काटता? तो वो बोलता कि इसको साइड से काटता तो साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। लेकिन मत जो,
हर नशे का साइड इफेक्ट होता। क्या मतलब? वीट पीने का क्या नफा? क्या नफा है? आंख लाल, दिल साफा। सही, सही। हीरोइन पीने का क्या नफा? क्या नफा है? पौड़िया खरीदने का चक्कर में पूरे का पूरा घर साफा। दारू पीने का क्या नफा? क्या नफा है? हाथ में खांचर, गालिये कोचा, बाजार साफ साफा। और पाउडर सूंघने का क्या नफा? नाक के बाल साफा। सही कह रहे।